आपसे पूछे कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनका मेन काम क्या है, तो यही कहेंगे ना कि वो सिस्टम का सही ख्याल रखें और आम लोगों के हित में काम करें। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि फिरोजाबाद की एक तस्वीर ऐसे आदर्शवाद को झुठलाती है। फिरोजाबाद में सिस्टम की नाकामी से परेशान एक किसान ने अपना आपा खो दिया। लेकिन परेशानी क्या सिर्फ किसान तक ठहरी है? नहीं, सिस्टम की नाकामी का असर केवल किसान, मजदूर या निचले तबके के लोगों पर ही नहीं बल्कि आप पर भी है। किसान मंडी में प्याज बेच रहा है 15 से 20 रुपए प्रति किलो और आप उसे खरीद रहे हैं 70 से 80 रुपए प्रति किलो में, यानी करीब 4 गुना से ज़्यादा कीमत पर। इसी तरह से किसान भिंडी बेचता है 15 से 20 रुपए प्रति किलो, लेकिन बाजार में आप उसे खरीद रहे हैं 50 से 60 रुपए प्रति किलो, यानी करीब 3 गुना ज़्यादा कीमत पर। किसान नींबू बेच रहा है 40 रुपए प्रति किलो, आप उसे खरीद रहे हैं 180 रुपए प्रति किलो, यानी करीब 4 गुना ज़्यादा कीमत पर। किसान को मिलने वाली कीमत और आपकी जेब से जाने वाले पैसे के बीच का जो अंतर है, वही सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है। एंड यूजर के तौर पर आपको भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। किसान मंडी में माल देकर चला जाता है, फिर मंडी से निकले उसी माल की कीमत आपसे कहीं ज़्यादा पैसे लेकर वसूली जाती है। मंडी में टमाटर बिक रहा है 18 से 20 रुपए किलो, आपको मिल रहा है 70 से 80 रुपए किलो। मंडी में आलू बिक रहा है 7 से 20 रुपए किलो, लेकिन आपको मिल रहा है 40 से 50 रुपए किलो। वहीं मंडी में प्याज की कीमत है 21 से 26 रुपए किलो, आपको दिया जा रहा है 70 से 80 रुपए किलो। फूल गोभी की अगर बात की जाए तो 30 से 35 रुपए मंडी में कीमत है और आपको दिया जा रहा है 55 से 60 रुपए प्रति किलो। इसी तरह करेला मंडी में बिक रहा है 25 से 30 रुपए किलो, आपको मिल रहा है 40 से 45 रुपए किलो। मतलब ये है कि सब्जी आप कोई भी खरीद लीजिए, मंडी की कीमत के मुकाबले आपको वो करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा कीमत पर बेचा जा रहा है। ये भी सच है कि किसानों को सीधा इसका लाभ नहीं मिल रहा है। ये हाल केवल सब्जी मार्केट का ही नहीं है, मसाले भी पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी महंगे हुए हैं। मंडी में हल्दी की कीमत 122 रुपए किलो है, आप इसे 280 रुपए प्रति किलो खरीदते हैं। जीरा की कीमत 221 रुपए किलो है, आप इसे 440 रुपए प्रति किलो में खरीदते हैं। काली मिर्च की बात की जाए तो 559 रुपए किलो कीमत है, 1000 रुपए प्रति किलो आप खरीदते हैं। धनिया मंडी में 168 रुपए प्रति किलो है, आप उसे खरीदते हैं 200 रुपए में। यानी किसान से मंडी, मंडी से आप, इसके बीच में कोई तो है जो किसानों से भी फायदा कमा रहा है और आपकी भी जेब काट रहा है। और जिस सिस्टम को इस घालमेल पर लगाम लगाना है वो गायब है। वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है, आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर अपने हक और हित के लिए अपनी बेबाक आवाज़ बुलंद करेंगे। नमस्कार।